स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश 1। हियर इज द यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, फ्रेंडशिप। दिस इज द पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 में हमने स्टार्ट किया था लेसन। एक्टिविटी 1 है जो कंप्लीट की थी, जिसमें आपको एक अच्छी सी पोयम दी गई थी द एरो एंड द सॉन्ग के बारे में। ओके, तो वो हमने लर्न किया था। आज ये जो लेसन है वो कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर आपके हैं 8 पे, 8 पे एक्टिविटी नंबर 3। जिसमें क्या करना है, गिवन बिलो इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। आपको एक्टिविटी नंबर 3 में एक अच्छी सी स्टोरी दी गई है। इट इज अबाउट हाउ द ग्रैंडफादर ट्रीट हिज चेयर एज अ फ्रेंड। कि ग्रैंडफादर के बारे में है, तो एक बॉय है जिसका ग्रैंडफादर है, वो अपनी चेयर को कैसे ट्रीट करते हैं। एंड हाउ द ग्रैंडसन अंडरस्टैंड्स द फीलिंग ऑफ ग्रैंडफादर बेटर देन हिज पेरेंट्स। और कैसे उसका जो ग्रैंडसन है वो ग्रैंडफादर की फीलिंग को कैसे अंडरस्टैंड करता है बेटर देन हिज पेरेंट्स। उसके मम्मी पापा से भी ज्यादा ये जो ग्रैंडसन है वो अपने दादा की यानी ग्रैंडफादर की फीलिंग को समझता है। एंजॉय द स्टोरी, स्टोरी को एंजॉय करते हैं। ओके, ग्रैंडपास फ्रेंड 1। तो फ्रेंड है वो सभी के होते हैं फ्रेंड्स, तो छोटे बच्चे हो या बड़े हो, आपके पेरेंट्स के भी फ्रेंड्स होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी फ्रेंड्स होते हैं। फ्रेंड है वो क्या करते हैं, पुअर पर्सन को भी रिच बना देते हैं, लास्ट में हमने देखा था, और सैड पर्सन को हैप्पी कर देते हैं, है ना। और अपना सब कुछ है वो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपना दुख सुख है वो बांट सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो फटाक से जो फ्रेंड्स होते हैं वो सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके घर में भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए हैं, आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, तो आपको उनके पास अच्छा लगता होगा, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स हमें स्टोरीज कहते हैं और स्टोरीज सुनना तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे जो स्टोरी है इसमें आपको यही बताया गया है कि जो ग्रैंड फादर है उसका ग्रैंड सन है वो जितना उनके मदर फादर है वो ग्रैंड फादर को उनके फादर को नहीं समझ पाते, उतना ये जो ग्रैंड सन है वो अपने ग्रैंड फादर को अंडरस्टैंड, उसकी उनकी जो फीलिंग है वो अंडरस्टैंड। तो हमें भी अपने घर में भी ग्रैंड पेरेंट्स हो उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लेसन। मोम आम होम, क्या कहते हैं, क्या कहता है ये जो बॉय है जॉन, क्या है नाम है जॉन, जो ग्रैंड सन है उसका नाम है जॉन, वो कहता है मम्मी आम होम यानी मैं घर आ गया हूँ। जॉन स्लैम द डोर एंड ड्रॉप्ड हिज बुक्स ऑन अ नियर बाय चेयर। अब यहाँ पे जो कुछ वर्ड्स होंगे उसके मीनिंग भी हम लिखेंगे आपको पेज नंबर 10 पे। जब आप पेज टर्न करोगे तो यहाँ पे की वर्ड्स दिए गए हैं। ओके, जॉन है वो घर पे आ गया है और वो क्या करता है, स्लैम, स्लैम यानी जो डोर है उसको स्लैम करता है, क्लोज करता है, लेकिन कैसे, फोर्सफुली क्लोज करता है, धक्का देकर।
एंड ड्रॉप्ड हिज बुक्स, और उसकी जो बुक्स है, क्योंकि वो कहाँ से लौटा है, स्कूल से लौटा है, और अपनी बुक है वो कहाँ पे रखता है, और हिज बुक्स ऑन अ नियर बाय चेयर, एक नजीक की जो कुर्सी पड़ी हुई हुई है उसके ऊपर वो बुक्स है वो रख देता है. समथिंग स्मेल्स गुड विथ हिज नोज इन द एयर, ही फॉलोड द स्वीट एरोमा इनटू द किचन. अब वो घर पे जैसा ही आता है वैसा वो क्या कहता है, समथिंग स्मेल्स गुड, कुछ अच्छी सी स्मेल आ रही है, और वो अपने नोज के साथ यानी नोज के साथ सुनता हुआ वो किचन की ओर बढ़ रहा है, और जो जहाँ से एरोमा, एरोमा यानी स्वीट स्मेल, जो जहाँ से स्वीट स्मेल आ रही है तो वो अपने नोज के साथ एरोमा है वो सुनता सुनता फॉलो करता हुआ किचन में जाता है. हाय जॉन, होम एंड रेडी, हिज मॉम टर्न अराउंड. अब वो उनकी मॉम है वो किचन में है, वो ऐसे घूमते हुए उसकी तरफ घूमते हुए क्या कहती है, हाय जॉन होम ऑलरेडी, यानी कि घर आ गए. सी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट ऑफ फ्रेश बेक्ड कुकीज ऑन द काउंटर नियर द ओपन विंडो, और उसने जो स्मेल आ रही थी वो किसकी थी, कुकीज की थी. तो उसने, उसकी जो मदर है उसने अभी अभी ही विंडो के पास में, खुला हुआ विंडो है उसके पास में, काउंटर है उसके ऊपर बेक्ड कुकीज यानी बेक किए हुए कुकीज को, कुकीज की प्लेट है वो अभी अभी यहाँ पे रखी है. जॉन रीच्ड फॉर अ कुकी एंड लुक्ड आउटसाइड. अब जॉन है, अब प्लेट है वो कहाँ पे पड़ी है, कुकीज की, खुला हुआ विंडो है, ओपन विंडो है उसके पास, काउंटर के ऊपर कुकीज पड़े हैं. तो अब वो जॉन है वो क्या करता है, कुकीज के पास पहुंचता है और लुक्ड आउटसाइड, और बाहर की तरफ देखता है. इट वॉज द काइंड ऑफ डे दैट मेड जॉन फील वार्म इनसाइड. तो इस काइंड का दे बाहर देखा तो जो दिन था वो कौन से काइंड का था, इट वॉज द काइंड ऑफ द डे दैट मेड जॉन फील वार्म इनसाइड. ऐसा दिन था, ऐसे काइंड का दिन था कि जॉन को अंदर की तरफ क्या लग रहा था, वार्म लग रहा था यानी गर्मी लग रही थी. पॉप पॉप जॉन्स ग्रैंडपा. अब पॉप पॉप कौन है, जॉन है उसके ग्रैंडपा है, ग्रैंडपा यानी ग्रैंडफादर, ग्रैंडपा है जिसका नेम क्या है, पॉप पॉप. ओके, सो पॉप पॉप जॉन्स ग्रैंडपा हु लिव्ड विद देम सिंस ग्रैंडमा हैड डाइड केम थ्रू द डोर. अब जो ग्रैंडपा है वो कहाँ रह रहे थे, उनके साथ में ही रह रहे थे, सिंस ग्रैंडमा हैड डाइड, जब से ग्रैंडमा यानी उनकी जो ग्रैंडमा है वो नहीं है, वो डाइड है यानी मर चुकी है, जब से उनकी ग्रैंडमा डाइड हुई है तब से ग्रैंडपा है वो उनके साथ ही रह रहे थे. स्प्रिंग इज हियर पॉप पॉप सेड. पॉप पॉप है वो कहाँ क्या करते हैं, डोर से अंदर आते हैं और क्या कहते हैं, स्प्रिंग इज हियर, स्प्रिंग है वो यहाँ पे है, पॉप पॉप सेड. एंड यू नो व्हाट दिस मींस, और तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है, श्योर जॉन एग्री, जॉन है वो एग्री करता है, एग्री यानी से यस. तो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मतलब क्या, तो जॉन क्या कहता है, यस आर एनुअल फिशिंग ट्रीट इज कमिंग अप. अब स्प्रिंग आया है तो हमारी जो एनुअल फिशिंग ट्रीट है, ओके, एनुअल यानी ईयरली,
तो हर साल जो होने वाली ट्रिप है या कौन सी ट्रिप है, फिशिंग ट्रिप है, वो आप आने वाली है। एम्यूज्ड, एम्यूज्ड का मतलब होता है प्लीज्ड, हैप्पी। जैसे वो रेडी ना हो, है ना, नॉट रेडी, वो रेडी ना हो, ऐसे हाँ कहता है, ओके कहता है। कैन यू गेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, क्या आप बता सकते हो कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? ओके, अब तक क्या हुआ? तो सबसे पहले जॉन है, जो बॉय है उसका नेम है जॉन। पॉप है वो कौन है? उसके ग्रैंडपा और उसकी मॉम, तीनों यहाँ पे है। सबसे पहले जॉन है वो घर पे आता है स्कूल से, तो वो कहता है कि मॉम आम होम, मैं घर पे आ गया हूँ। और वो क्या करता है, डोर को स्लैम, स्लैम द डोर, क्लोज द फोर्सफुली, फोर्सफुली डोर को बंद करता है और बाजू में पड़ी हुई चेयर में अपनी बुक से वो रख देता है। फिर क्या होता है, तो फिर उसको एक अच्छी सी स्वीट स्मेल, एरोमा यानी स्मेल आ रही होती है, तो उसको फॉलो करते हुए वो किचन में जाता है। किचन में उसकी मम्मी उसके सामने घूमती है और उसकी मम्मी ने अभी अभी बनाए हुए बेक किए हुए कुकीज है वो ओपन विंडो के पास रखे हुए हैं। जो जॉन है वो कुकीज के पास जाता है और विंडो है वो ओपन है, तो बाहर देखता है तो क्या, जो काइंड ऑफ द डे है वो कैसा होता है कि अंदर हमें गर्मी लगे ऐसा डे होता है। अब पोपोप यानी ग्रैंडपा है वो डोर के थ्रू अंदर आते हैं। फिर क्या होता है, जो ग्रैंडपा कहते हैं इट्स अ स्प्रिंग, ये है वो कौन सी मौसम है, स्प्रिंग की मौसम है। और उसका मतलब क्या होता है, तो जॉन कहता है कि हाँ स्प्रिंग मतलब हमारी फिशिंग, एनुअल फिशिंग ट्रिप है वो आने वाली है। ओके, तो वो हैप्पी हो जाता है और ग्रैंडपा है वो भी उनके सामने ऐसे स्माइल लेते हैं। ओके, फिर क्या होता है, फिर मॉम है वो बोलती है कि मैंने कुछ ज्यादा है वो सोच रखा है स्प्रिंग क्लीनिंग के बारे में। तो जॉन को कहती है कि कल तुम्हारा स्कूल नहीं है, तो मैं तुमसे आशा रखती हूँ कि तुम मेरी क्लीनिंग में हेल्प करोगे। ओके, ऐसा पूछती है। तो जॉन है वो क्या कहता है, ओके ओके, लेकिन जैसे रेडी ना हो हेल्प करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए, ऐसे वो ओके कहता है। अब नेक्स्ट क्या होगा देखते हैं। तो नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन्ड द हाउस। नेक्स्ट डे क्या किया, तो जॉन और उसकी मम्मी ने
हाउस को क्लीन किया। क्लीन अपस्टेयर्स, क्या क्या क्लीन किया? अपस्टेयर्स क्लीन किए, इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, अंटिल एवरीथिंग वाज स्पॉटलेस, सब कुछ एकदम ही स्पॉटलेस हो ना जाए तब तक उन्होंने सब कुछ क्लीन किया अंदर बाहर। ओके, अपस्टेयर स्टेयर्स के ऊपर सभी जगह पे क्लीन किया। वेरी क्लीन, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाए ऐसा सब क्लीन किया। फिर क्या हुआ? टायर यानी थक गए। दे सेंट इन टू द कोच, सेंट इन टू द कोच यानी ऐसे जो सोफे होते हैं उसके ऊपर थके हुए हम जैसे गिर के पड़ते हैं बैठते हैं ऐसे आराम से वो बैठ गए। पॉइंटिंग टू पॉपकॉप से, अब वो क्या करते हैं? कोच के ऊपर, सोफे के ऊपर वो बैठ गए। फिर पॉइंटिंग टू पॉपकॉप से, अब पॉपकॉप जो है यानी कि जॉन के जो ग्रैंडपा है उसकी एक चेयर है जो बहुत ही पुरानी है और उसके सामने पॉइंट करते हुए दिखाते हुए जॉन्स मॉम एक्सप्लेन, जॉन की मॉम ने क्या किया? एक्सप्लेन किया। ओके, सरप्राइज के साथ कहा, क्या कहा? ओ दैट ओल्ड चेयर हैज गॉट टू गो, क्या कहती है? ओ ये ओल्ड चेयर है, पुरानी जो कुर्सी है चेयर है उसको अब जाना चाहिए। वी विल बाय पॉपअप अ न्यू वन, हम पॉपअप के लिए एक नई चेयर है वो खरीद लेंगे। ये जो चेयर है वो कैसी थी? पुरानी थी। और उसको पॉइंट आउट करते हुए क्या कहती है जॉन की मदर, जॉन की मॉम है वो कहती है अब ये चेयर है वो जाने जैसी हो गई है, पॉपकॉप के लिए हम नई चेयर खरीदेंगे। इट वॉज ट्रू, जॉन हैड टू एग्री। अब पेज टर्न करो, अब जॉन है वो भी क्या कहता है? एग्री हो जाता है, हाँ इट वॉज ट्रू, ये सही है। चेयर वॉज अनसाइटली, चेयर है वो बहुत ही अनसाइटली हो गई है यानी बहुत ही उसका जो दिखाव है साइट है वो बहुत ही वो हो गया है, जैसे जो कलर है वो डल हो गया हो ऐसा। इट वॉज फेडेड एंड वॉर्न एंड इन सम प्लेसेस इवन टॉर्न, तो यहाँ पे जो चेयर है वो कैसी है? बहुत फटी हुई है, फीकी पड़ गई है। फेडेड यानी फीका हुआ, वॉर्म यानी घिसा हुआ और टॉन यानी फटा हुआ। यहाँ पे दो तीन वर्ड्स यूज हुए हैं चेयर के लिए, फेडेड वॉर्न और टॉन। ओके, फेडेड यानी घिसा, सॉरी वॉर्न यानी घिसा हुआ, फटा हुआ और फीका पड़ गया है ऐसा। तो चेयर है वो बहुत ही अनसाइटली है और घिस गई है, उसका जो कलर है वो भी डल हो गया है, टोन यानी फट गई यानी बहुत ही पुरानी हो गई है और कहीं पर टूट भी गई है। जॉन केम एंड हेल्प मी, अब उसकी मॉम क्या कहती है? जॉन यहाँ आओ और मुझे हेल्प करो, मदद करो। वी विल टेक द चेयर टू द फुटपाथ, हम चेयर को फुटपाथ पे देकर जाते हैं।
कैलेंडर वन डेमेज से रहे हो, बहुत ही पुरानी हो गई है, डैमेज हो गई है, डल हो गई है। इसलिए उसकी मदर कहती है कि जॉन तुम मेरी हेल्प करो, इसे हम फुटपाथ पे लेकर जाते हैं। टुमोरो द गार्बेज ट्रक इज गोइंग टू कम, तो कल जब गार्बेज ट्रक जो कचरा लेने वाली ट्रक आएगी तो वो उसमें चली जाएगी। एज दे अटेम्प्टेड टू मूव द चेयर, जैसे ही वो चेयर को मूव करने के लिए अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट यानी ट्राई किया, जैसे ही उन्होंने चेयर को मूव करने का ट्राई किया, पोपो वॉक्ड हिज वे थ्रू द डोर, पोपो है वो डोर से अपने रास्ते से आए। सीइंग व्हाट वाज हैपनिंग ही क्विकली ब्लॉक्ड देयर वे, जैसे ही क्या हो रहा है वो देखे, उन्होंने देखा तो वो क्या कर, उन्होंने क्या किया, ही क्विकली ब्लॉक्ड देयर वे, उन्होंने अपना वे है वो क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। जैसे जो वो डोर के थ्रू अंदर आ रहे थे और जो जॉन और उसकी मॉम है वो कुर्सी को बाहर लेकर जा रहे थे, तो जैसे ही क्या हो रहा है वो देखा, क्योंकि ये जो चेयर है वो किसकी थी, पॉपॉप की थी, तो उन्होंने अपना डोर है वो ब्लॉक कर दिया, उनको जाने नहीं दिया। ओ नो ही ऑब्जेक्टेड, यू कांट टेक माय चेयर, वो कहते हैं ऑब्जेक्ट अपोज करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी चेयर है वो नहीं ले सकते हो। व्हाई डजंट द ग्रैंडपा लाइक टू रिमूव द चेयर, ग्रैंडपा को चेयर रिमूव करना क्यों पसंद नहीं आया। सो पहले इतने वर्ड्स है वो लिख लो, यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं, आगे क्या हुआ होगा वो हम देखेंगे। उससे पहले ये जो डिस्कशन करते हैं कि ग्रैंडपा को रिमूव चेयर रिमूव करना क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये चेयर है वो किसकी है, ग्रैंडपा की है, मतलब कि चेयर है वो बहुत पुरानी है, तो ग्रैंडपा से बहुत सालों से लॉन्ग टाइम से उनके साथ रही होगी, इसीलिए शायद ये उनको रिमूव करना नहीं चाहते होंगे। ओके, राइट दिस वर्ड्स इन योर बुक। ग्रैंडपा ने ऑब्जेक्ट किया, ऑब्जेक्ट के यानी गो अगेंस्ट, कोई कुछ कर रहा हो उसके अगेंस्ट जाना, ऐसा करने नहीं देना, और ब्लॉक यानी स्टॉप करना, ब्लॉक किया वे को, स्टॉप किया। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या सीखा कि दूसरे दिन है वो मम्मी यानी जॉन और उसकी मदर है मॉम है वो हाउस क्लीनिंग करते हैं, उन्होंने सभी जगह पे क्लीन किया, अपस्टेयर इनसाइड आउटसाइड सभी जगह पे क्लीन किया, फिर थक गए, फिर उनकी नजर है वो चेयर के ऊपर पड़ती है, चेयर है वो कैसी है, बहुत ही ओल्ड है और वो डैमेज भी हो गई है,
डल भी हो गई है और अगली भी लग रही थी, इसलिए उसकी मम्मी ने जब हम घर को क्लीन कर रहे हो तो ऐसी जो थिंग्स है जो हमें काम की ना हो, टूट गई हो, ऐसी थिंग्स को तो हम जब क्लीन करे तब बाहर निकाल देते हैं। तो उसकी मम्मी ने भी यही सोचा कि ये चेयर है वो अब डल हो गई है, यानी कि बहुत ही पुरानी हो गई है, तो इसको हम बाहर फुटपाथ पे रख देंगे और कल जब गार्बेज का ट्रक आएगा तो वो उसे लेकर जाएगा। तो जब वो चेयर को, जॉन और उसकी मॉम है वो चेयर को लेकर जा रहे थे बाहर फुटपाथ पे रखने के लिए, तभी उसकी ग्रैंडपा है वो आने लगे, सामने से डोर से आ रहे थे। तो उन्होंने ये सब जो देखा क्या हो रहा है वो देख कर वो क्या हो गए, हैरान हो गए, क्योंकि ये चेयर है वो उनके साथ में ही जब भी जो अकेले रहते थे तब वो चेयर पे बैठे रहते थे, बहुत सालों से उनके साथ है, लॉन्ग टाइम से हर सुख में दुख में उनके साथ ही रही है। सो वो नहीं चाहते थे कि ये चेयर है वो फेंकी जाए। ओके, यहाँ तक हमें लेसन है वो लर्न किया। अब नेक्स्ट जो आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आपको क्या करना है, लेसन है वो रीड करना है और जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं उसका मीनिंग भी आप अच्छे से याद कर लेना।